अब ये पकड़ो, चलो चलो जाओ जल्दी जाओ। ओ भाई, हेलो फंकीज, वेलकम बैक टू माय प्लेनेट। तो आज है हम लोगों का गुलमर्ग में सेकंड डे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी यहाँ पे -6 डिग्री टेम्परेचर है और अभी हम ब्रश करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं यहाँ पे ब्रश, नजारा देखते हैं। चलो तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए इस ठंडी में सुबह सुबह। तो आज है नाश्ते में पूरी सब्जी, अंडा, चाय और ब्रेड। चलिए नाश्ता करते हैं। ये जा रही है एटीवी में, ड्राइव करेगी पूरा मस्त। अभी 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 ये भैया लोग हम लोग को लेके जाएंगे। तो हम लोग एटीवी राइड कर रहे थे, अभी बीच में रुके हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब राइड करेंगे। बहुत मजा आएगा, ऊपर से फिसल कर आएंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ये लोग, 550 बोल रहे हैं पर हेड, तो हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं। तो अभी बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पर इन लोगों को, उन लोगों की। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं करेंगे। यहाँ पे ठंड तो बहुत है, पता नहीं -6 डिग्रीज या -5 डिग्रीज ऐसा कुछ। तो हम लोग अब जा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, ट्यूब राइड करने के लिए। क्या करने जा रहे हैं? ट्यूब राइड करने जा रहे हैं हम लोग। चलो कूदो, दौड़ो दौड़ो। हाँ, स्लिप नहीं करना, मुंह के बल गिरेगी। तड़ी चलो ना, ऊपर से फिर गिरना है ना फिर से। अब ये जा रहे हैं गोलू, ओ भाई मस्त होता रहा, भयंकर फील आया उसको। तो अब हम लोग जा रहे हैं गोंडोला राइड। चलो आगे चलो, साथ में चलो। हम लोग बैठ चुके हैं गोंडोला में, मजा आएगा बहुत ही। तो हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं अभी गोंडोला से। तो हम लोग गोंडोला का फर्स्ट फेज में जा रहे हैं, जो की 7,500 फीट ऊपर है। पीछे तो देखो। वो भीड़ बकरियां वहाँ पे पालते हैं, ये जो छोटे छोटे हट्स दिख रहा है। ग्लास वाला कैफे, ग्लास डोम कैफे है, जो कि रेस्टोरेंट का नाम है गोला होई पैनोरामा कैफे एंड रेस्टोरेंट। और ये रास्ता है फेज टू जाने के लिए, जो कि और ऊंचा है, ऊपर लेकर जाएगा पहाड़ में। अगर आपको टावर दिख रहा होगा बीच में, तो ये हमारा पूरा आ गए हम लोग फेज वन गंडोला से। यहाँ ऊपर चारों तरफ दुकानें हैं खाने के, बहुत ज्यादा जोर से भूख लग गई है। ये है कश्मीरी चिकन पुलाव, इतना सा है बस, कुछ नहीं हमारा। और ये 400 रुपए का हमारा टेस्ट अच्छा है। बाबू इतना क्यों छोड़े, कम से कम 5 रुपए का बिरयानी होगा। खा रहे समेट रहे, बर्बाद नहीं करना है यहाँ पे मुझे, बर्बाद नहीं होगा। देखो तू अभी 1 रुपए का पुलाव भी नहीं बचना चाहिए इसमें, इसमें 1 रुपए भी नहीं बचना लग रहा है। हम लोग का कश्मीरी नान है, रोटी पता नहीं क्या अजीब सा दिख रहा है, ये तो ठंडा है। और ये कश्मीर चिकन, अरे वही सब पीस दे दिए क्या जो आपने मना किए। ये पूरा घुस गया लग रहा है, दलदल में घुस गए, उनका पैर ही पूरा घुस गया। आप पहुँच गए, ये हम बनाए स्नोमैन, इसको हमने बम भी लगा दिए हैं। क्या बना रहे हैं भाभी? हम लोग चेयर बना रहे हैं। ये कैसा चेयर है? अभी बनेगा, अभी बना रहे हैं, अभी प्रॉपर सेटिंग चेयर बनेगा। ये हैंडल बना रहे हैं, ये हमारा चेयर बना है मस्त। रुको रुको रुको, अरे ये तोड़ देगी, हमको भी बैठने के लिए छोड़ दो। आगे आगे बीच 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 और पीछे बैठो। हाँ, ये देखिए हमारा चेयर। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करके गंडोला में वापस नीचे। बाय बाय। तो अभी हम लोग तो यहाँ पे हो रही है बर्फ की बारिश, स्नोफॉल आज एट लास्ट हो ही गया। हम लोग इतना इंतजार कर रहे थे कि काश हो जाए स्नोफॉल। तो ये स्नोफॉल को मजा ले रहे हैं गोलू।
लगता है बर्फ पड़ने वाली है, नहीं बर्फ पड़ रही है, पूरा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर। देखिए हमने पहली बार स्नोफॉल देखा है, तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है अभी तक, बहुत जोर जोर स्नोफॉल हो रही है, पूरा व्हाइट व्हाइट दिख भी नहीं रहा अच्छे से। आइए आप आएंगे? अरे ये तो स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं पहने हैं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है वाला पोज कर रहे हैं गोलू, वार्मर भी नहीं पहने एकदम। तो अब हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग से पहलगा के लिए। हमारी गाड़ी में यहाँ पे चेन लग रही है ताकि ये बर्फ में अच्छे से चल पाए, कहीं फंसे ना। हम लोग जाने वाले थे पहलगाम लेकिन नहीं गए क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और घूम तो पाएंगे ही नहीं, और मैक्सिमम चीज़ें वहाँ बंद हो चुकी हैं बारिश की वजह से। तो हम लोग श्रीनगर में ही एक दिन और स्टे कर रहे हैं। तो अभी हमने कर लिया दूसरा होटल बुक और अभी हम लोग चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपके होटल का व्यू। ये है हमारा होटल, बहुत ही सुंदर है। हमने दूसरा होटल जो बुक किया था वो बहुत ही मतलब महंगा था, ये प्राइस के हिसाब से अच्छा, वो होटल भी अच्छा नहीं था लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। मुझे मिल गया, चलिए पीते हैं, ठंडी में कहवा पीने का मजा ही कुछ और है। ये वेलकम ट्री होटल वालों की तरफ से, चलते हैं रूम के अंदर। लाइट्स ऑन करो बाबू इधर। ये हमारा रूम बहुत ही बड़ा है ना, ये बाहर का व्यू दिख रहा है थोड़ा। ये हमारा पूरा रूम है और ये हमारा बाथरूम, बहुत ही अच्छा ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम लोग आए हुए हैं श्रीनगर में एक दरगाह में, पता नहीं क्या नाम है, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर है, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है इनको, ये खाना दे रहे हैं इनको। चलिए अब अंदर चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है अभी यहाँ पर लेकिन फिर भी हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि एक दिन वेस्ट हो गया, हम लोग पहलगाम नहीं जा पाए इस बारिश की वजह से। बहुत ही बड़ा दरगाह है, वो जो दूर दूर तक दिख रहा है पूरा वो दरगाह ही है। गर्मियों के मौसम में बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि उस टाइम बहुत ही पूरी ग्रीनरी रहती है। यहाँ पर भी कबूतरों को खाना दिया जा रहा है, यहाँ पे लड़कियों को जाना अलाउड नहीं होता दरगाह में, तो हम तो नहीं जा सकते, और गोलू को जाने बोल रहे तो वो जा नहीं रहे हैं। ये पूरा दरगाह का ही पार्ट है पूरा, गर्मियों के मौसम में बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी ठंडी की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि सारे पेड़ भी सूख चुके हैं। साइड में बहुत बड़ा सा लेक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है बारिश की वजह से। तो पता चल गया हम लोगों को नाम इस हजरत बाग का दरगाह है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, दरगाह है हजरत बाग नाम हो गई है। और हम लोग जा रहे हैं ये होटल ममता ग्रैंड का कैफे एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ देखेंगे क्या क्या है। बारिश हो रही है बाहर आ गए हम लोग, ये देखो ये आउटडोर है, यहाँ पे कपड़ा लगा है, यहाँ पे भी हम लोग शायद ये अभी बारिश के टाइम में तो नहीं इसमें खा सकते, अभी अंदर वाले कैफे में खाएंगे हम लोग। चलिए कुछ कॉफ़ी वॉफी चाय वाय पियेंगे। तो ये है होटल ममता ग्रैंड का कैफे, यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे, देखते हैं। बहुत सारे बेकरी केक वगैरह है, कुछ कुछ क्रॉसेंट ट्राई करेंगे शायद हम, देखते हैं। स्वीट रोल भी है, ब्राउनी, वॉलनट ट्रॉट, आमंड पाए, ये सब देखकर मुझे हमको मास्टर शेफ का याद आ रहा है। तो कैफे में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था तो हम लोग इसका रेस्टोरेंट आ गया, तो चले चलते अंदर रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे। रेस्टोरेंट यहाँ का बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि 6:30 बज गया है और स्नैक्स नहीं मिल सकता क्योंकि 7:30 बजे से डिनर स्टार्ट है। तो हम लोग चाय निमकी खाएंगे अपना, ठीक है बाबू? हाँ बाबू, ठीक बाबू, ठीक बाबू। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर को। तो अभी हम लोग रुके हैं कुछ यहाँ का स्पेशल ड्राई फ्रूट्स केसर वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे चेकिंग चल रही है, अच्छी है या नहीं आपको? ये टूट गया बिल्कुल मस्त, अंदर तो अच्छा निकला है, निकला है अंदर तो सही है। चलो चलो, अब हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, यहाँ पे पहले हमारा बैगेज चेक इन होगा सब कुछ, उसके बाद हम लोग गाड़ी से ही अंदर जाएंगे। हमारी चेक इन हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो वो आर्मी चेकिंग था, ये हमारा सारा ट्रॉली वगैरह सब कुछ सील पैक हो गया है। तो यहाँ एयरपोर्ट का व्यू कुछ ऐसा है, चलो चलो हम जा लेकर लेके, क्या भारी लग रहा है आपको? हाँ, तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, हम लोगों को अपना बैगेज देना है सारा, उसके बाद हम लोग अपना घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या। यहाँ पे हर जगह मैना घूम रहा है, देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी चिड़िया पूरा भरा हुआ है, देखिए मस्त
गिरा हुआ खा रहा है मस्त। और किधर ऊपर भी बैठा हुआ है पूरा, बहुत अच्छा है ना, मस्त है। अब हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर को छोड़कर, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 3 में, दिल्ली के टर्मिनल 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी फ्लाइट है, यहाँ पे हम लोग पहले लॉन्च के मजे लेंगे, उसके बाद फ्लाइट में जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं अपने बोर्डिंग गेट के पास और कोलियो यहाँ पे आराम कर रहे हैं। अभी हमारी बोर्डिंग टाइम हमारा नहीं हुआ है, इसलिए एक ही सीट खाली था, तो हम तो नहीं कर सकते, यही कर रहे हैं। गोलू वाले सीट पे ही हम भी लेट जाएंगे, हम तो नहीं खड़े से खड़े। तो यहाँ लेट कर मैं बाहर का व्यू ले रही हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे। तो पहुँच चुके हैं हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट, अब जा रहे हैं वापस घर। बहुत ही नींद आ रही है हम लोगों को, ऐसा लग रहा है कहीं भी बैठेंगे तो सो जाएंगे। तो आ गए हम लोग वापस घर, अपना बैग वैग रख दिया है अंदर, ये लोग पहुँच गए हैं। तो जीजू और दीदी आ चुके हैं वापस, आलम बहुत खुश। काजू का ब्लॉगिंग हो गया शुरू, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। तो मेरे लिए हम बोले थे बर्फ लेके आएगा, लेकिन ये लोग बर्फ नहीं लेके आए, पता नहीं क्या लेके आए। क्या क्या तो इसमें है, ओ ये तो टैब है, मेरे लिए टैब लेके आए जीजू, सैमसंग का। काजू हम श्रीनगर से तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या लाई है? ये लो। ये क्या है? देख क्या है, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कितना मस्त है ये, टेस्ट करो कैसे। पहले इसको फोटो क्लिक करेंगे तब तो बताओ। फोटो क्लिक हो गया तो इसका फोटो सेशन हो चुका है, इसे निकला इसका रिंग तो ये निकल। अरे इसका चीनी झड़ रहा है, देखिए खाके देखो। कौन सा पार्ट खाए बताइए? इसका खाओ गला, कौन खा ली तुम उसका? भैया को भी इसका मिल रहा है, बिना कान का हो गया, बिना कान का। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका नाक खाई नाक ठीक हो जाएगा आपका। इसका नाक खाई नाक ठीक हो जाएगा आपका, खाइए ना। ये बबल गम लग रहा है। हाँ मत लग रहा, अच्छा लग रहा है। दीदी तुम भी चीनी है? अरे पूरा चीनी झाड़ रहा है दीदी, लेकिन पार हो जा रहा है, इसको चबा के ठुकने का नहीं है। हाँ वीडियो में नहीं दिखा। ये रहा उसका चबा चबा जा रहा है मुंह में, पूरा खा के। हम लोग नहीं खाते का सारा खा लिया, पहलवा तो रहने देती थी। इसको पुतला में यूज करना लो, अजीब लग रहा है। राहुल तुम्हारे लिए भी कुछ लाया तो बाबा जी का प्रसाद खाओ। लो तुम्हारे लिए लाएंगे च्युइंगम, खाएगा बबल गम। च्युइंगम है कि बबल गम? बाबू है बड़े काम की चीज, बबल गम लिखा। ये वाला खाओ, ये वाला कौन वाला? अब पूरा फुला मस्त फूलेगा, हम फुला के दिखाएंगे, तुमने फुला पाएगा तो। ए वो मेरे लिए छोड़ देना, दूगो तो है उसमें, बताइए इसमें। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से अलविदा, और उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कश्मीर वाला ट्रिप हम लोगों का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।